तो गाइस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीटा वर्जन के बारे में। बीटा क्या है, आपको प्ले स्टोर पर बीटा वर्जन लीव ज्वाइन बीटा टेस्टर या आपने कभी ना कभी देखा होगा। अगर आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे बीटा वर्जन। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या आपको कैसे सभी यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। तो सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर देखेंगे बीटा वर्जन आकर ज्वाइन करने से क्या हमें लाभ मिलते हैं क्या। तो सिंपली से आप पहले हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर जानने से पहले मेरे बारे में जान लो। तो मैं हूँ मनीष, नाम है मेरा, और ये है आपका टेक्नो दिकेश यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक करो आपको पसंद आता है तो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आप कमेंट में हमें कुछ भी बोल सकते हो, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो कोई बात नहीं। या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कोई भी वीडियो का टॉपिक उठा सकते हो। इस वीडियो चाहिए हमको टॉपिक, तो आप वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आपको बेसिक नॉलेज इंस्टाग्राम पर आती रहती है अपडेट्स, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो देखो सिंपली सा हम लोग यहाँ पर बीटा वर्जन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो बीटा वर्जन प्ले स्टोर ने इसलिए वहाँ पर निकाला था, तो यहाँ पर गूगल ने अपना बीटा वर्जन इसलिए निकाला कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन बीटा टेस्टर अपना जो भी न्यू लॉन्च करने वाली है फ्यूचर में, आगे चलकर कोई भी एप्लीकेशन फ्यूचर में इस मान लेते हैं इस सर्विस को अपने एप्लीकेशन में देने वाली है, तो पहले वो बीटा वर्जन में दे देती है टेस्ट करने के लिए, कि जो भी बीटा टेस्टर्स यूजर्स हैं वो उनको टेस्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, और जो भी उनको परेशानियां होती है वो डायरेक्टली बीटा टेस्टर अगर आप में ज्वाइन हो तो अगर आप वहाँ पर रिव्यू देते हो कमेंट, तो वो डायरेक्टली डेवलपर के पास जाता है, वो सिर्फ देख सकता है, आपका विजिबल नहीं होगा प्ले स्टोर पर। तो बीटा टेस्टर ज्वाइन करोगे तो डायरेक्टली आप डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर रिव्यू लिखोगे तो वो समझ जाएगा आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो आप ऐसे करके बीटा टेस्टर ज्वाइन कर सकते हो, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ था टिप्स बीटा टेस्टर। तो देखिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर देखेंगे बीटा टेस्टर में ज्वाइन कैसे किया जाता है, लीव कैसे कर सकते हो, बीटा टेस्टर का ऑप्शन आपको कहाँ दिखता है और कैसे कैसे एप्लीकेशन में आता है, तो सब यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। तो मोबाइल के स्क्रीन पर सीधा चलते हैं। तो सिंपल से हमने अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पर प्ले स्टोर, अपने किसी मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है, तो प्ले स्टोर में आप जाओगे तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग गूगल को ही देख लेते हैं। तो गूगल का ही हम लोग पहले देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कहाँ पर आपको बीटा टेस्टर ज्वाइन होने का और लीव होने का यहाँ पर ऑप्शन दिखता है, तो उसे देख सकते हो ये गूगल हो चुका है। तो ये गूगल में आप नीचे की तरफ आओगे या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो ट्रस्टेबल होते हैं, जिनमें सभी एप्लीकेशन में तो बीटा टेस्टर नहीं होती है, तो देख सकते हो यू आर अ बीटा टेस्टर फीचर वर्जन देख सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पर गूगल बीटा दिख रहा होगा आपको, ऐसे सभी में बीटा नहीं दिखता है, यहाँ पर अभी बीटा दिख रहा है मेरे को। अभी देखो इंस्टाग्राम में भी बीटा टेस्टर आ चुका है, तो इसको भी आप देख सकते हो, इसमें आपको बीटा टेस्टर मेरा अपडेट यहाँ पर नहीं हुआ है, देख सकते हो ये भी मैंने बीटा ज्वाइन करके रखा है पहले से बीटा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बीटा टेस्टर का सेक्शन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर माई ऐप्स एंड गेम्स, यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर बीटा टेस्टर अभी जब आप ज्वाइन कर लोगे एक दो एप्लीकेशन को तो उसमें आपको बीटा ऑप्शन आ जाएगा, पहले से नहीं रहता है। तो आप बीटा पर क्लिक करो और देखो यहाँ पर बीटा टेस्टर मैंने कौन कौन से एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर ज्वाइन किया हुआ है, जिस जिस का बीटा टेस्टर अपडेट किए हो गए ज्वाइन कर उन सभी का आपको बीटा टेस्टर बीटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर बीटा टेस्टर यूज करने का आपको फ़ायदा क्या होती है, तो अगर आप बीटा टेस्टर ज्वाइन करते हो देख सकते हो यहाँ पर बीटा टेस्टर यू और ऑल्सो न्यू फीचर्स बिफोर पब्लिक डस, मतलब जो पब्लिकली यहाँ पर ये एप्लीकेशन इस फीचर को यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अपडेट करने वाली होती है, तो ये पहले ही डेवलपर को आपको दे देती है, आप फीडबैक कर सकते हो। यहाँ पर देखो लीव कर दूंगा तो यहाँ पर मैं बीटा से निकल जाऊँगा, तो यहाँ पर ज्वाइन का बटन था, मैंने यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर यू कैन लीव द बीटा टेस्ट एनी टाइम, आप कभी भी इसे रिमूव हो सकते हो। आपको गिव आपको न्यू फीचर्स जो आने वाली है उससे पहले ही आपको ये बीटा टेस्टर वर्जन में आपको मिल जाती है। आप टेस्ट करके आप डायरेक्टली कंटेक्ट विद डेवलपर, फीडबैक डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो, प्राइवेट फीडबैक, योर फीडबैक प्राइवेटली। तो ये इंटरेस्टिंग सा आपको कैसा लगा, इसी तरह से आप बीटा टेस्टर को ज्वाइन कर। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने मोबाइल स्क्रीन पर सभी यहाँ पर देख लिया,
तो मेरे ख्याल से आप बीटा टेस्टर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नेसेसरी है तो, वरना नहीं भी ज्वाइन कर सकते, ये आपकी मर्जी है। बीटा टेस्टर कोई बुरी तो है नहीं, अच्छी ही है, तो बीटा टेस्टर भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर मिल जाता है, लेकिन सिर्फ वो गूगल का या फिर जो जिन्हें सर्टिफाइड एप्लीकेशन है जो निकालती है उन्हीं का बीटा टेस्टर वर्जन होती है, सभी एप्लीकेशन का आपको बीटा वर्जन नहीं मिलती है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।